पिछले 2 हफ्ते से Realme Buds Q को एज अ प्राइमरी ईयरफोन यूज कर रहा हूँ, चाहे वो रनिंग करते वक्त हो गया या म्यूजिक सुनना, कॉल्स अटेंड करना, वीडियोस देखना, हर एक सिनेरियो में मैंने इसे कम्प्लीटली यूज किया है। इस वीडियो में इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ। अगर आप इस Buds Q को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा एंड में कंक्लूजन के लिए जरूर वेट करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो इसका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। कॉम्पैक्ट है, कोई भी शार्प एजेस नहीं देखने को मिलता, जिसकी वजह से इन हैंड फील काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। अगर मैं इसे Redmi Earbuds S के साथ कंपेयर करके बताऊं तो इसका कंस्ट्रक्शन मेरे को ज्यादा रिफाइंड लगा, ज्यादा वेल मेड लगा। पर इस स्मूथ डिजाइन का एक डाउनसाइड भी है, वो ये है कि काफी ज्यादा स्लिपरी हो जाता है और इसे एक्सीडेंटली गिराने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने खुद इसे लगभग 10 से लेकर 12 बार गिरा चुका है पिछले 15 दिन में, और अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे आप भी ऐसा कर सकते हो। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि लुक्स के चक्कर पे इसने अपना फंक्शनैलिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि कितना ज़्यादा क्विक है ये पैरिंग के लिए। सीमलेस कनेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपके स्मार्टफोन में ब्लूटूथ ऑन है, आपको कुछ नहीं करना, बस लिड ओपन करना है, बड्स को ईयर्स पे लगाना है, तब तक ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। रेंज भी इसका काफ़ी अच्छा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया, कभी कभी ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर वापस पेयर करने के लिए आपको ब्लूटूथ खोल के फॉरगेट डिवाइस करके फिर वापस पेयर करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। मेरे 15 डे के यूसेज में लगभग 9 से लेकर 10 बार ऐसा हो चुका है, और ये जो सीमलेस एक्सपीरियंस है उसे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर लेता है। कभी आप मूवीज देख रहे हो, ऑटोमेटिकली एक ईयरबड काम नहीं कर रहा है, उसके बाद आपको फॉरगेट डिवाइस करके वापस इसे लॉन्ग प्रेस करके पेयर करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया, जब आप इसे पीसी के साथ कनेक्ट करके यूज़ करते हो तो जो रेंज मिल रहा था, ऑफ कोर्स जब स्मार्टफोन के साथ कनेक्टेड है काफ़ी अच्छा रेंज मिल जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 8 meters तक का इजिली मिल जाता है। पर जब आप पीसी के साथ कनेक्ट करते हो ना, ऐसा लगता है कि कम्प्लीटली हाफ हो गए वो रेंज। मैं काम कर रहा होता हूँ, पानी पीने जाता हूँ, बिल्कुल साउंड जो है कट कट के आने लग जाता है। और सिर्फ मैंने अपने HP Omen के साथ ट्राई नहीं किया, HP Pavilion के साथ भी ट्राई किया, भाई के लैपटॉप के साथ भी ट्राई किया, तीनों में ही मेरे को ये प्रॉब्लम देखने को मिला था। तो अगर आप पीसी ज़्यादा यूज़ करते हो तो ये कुछ कंसिडर करने वाली बात है। बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिल जाता है। मैं इसे अराउंड 70% वॉल्यूम पे सुनता हूँ और मेरे को ऑलमोस्ट 4 hours का बैटरी लाइफ मिल जाता है। और केस को भी मिला के ना मैं कह सकता हूँ कि अराउंड 15 hours का बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर आप 70-80% वॉल्यूम पे सुनोगे तो। इसे चार्ज करने के लिए आपको माइक्रो USB केबल यूज़ करना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों के लिए एक बमर हो सकता है, क्योंकि आजकल सारे बजट स्मार्टफोन्स में भी आपको टाइप सी केबल देखने को मिलेगा, तो एक एक्स्ट्रा एडिशनल केबल आपको कैरी करना पड़ेगा। अगर आपको इंडिविजुअल बड्स के बैटरी परसेंटेज को देखना है, फिर आपको रियलमी लिंक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। iOS में वो नहीं मिलेगा, मतलब ऐप स्टोर में नहीं मिलेगा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी भी आपको मिल जाता है, जैसे आपको गेस्चर मोड को चेंज करना है, जैसे डबल टैप को ट्रिपल टैप करना है किसी फंक्शन के लिए, गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करना है या गेमिंग मोड को एक्टिवेट करना है, वैसे चीज़ें भी आप कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप इस ऐप को यूज़ कर रहे हो या इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो तो Realme Link ऐप को भी डाउनलोड करके इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हो। कॉल क्वालिटी एंड साउंड के बारे में बता देता हूँ। कॉलिंग डिसेंट है, साउंड क्लियरली ऑडिबल है, जो हम बोलते हैं दूसरे पार्टी को अच्छे से सुनाई देता है। जो दूसरी पार्टी बोलती है वो हल्का सा मफल्ड टाइप आता है, पर वो भी क्लियरली सुनाई देता है। अगर आपको इसके कॉलिंग क्वालिटी सैम्पल देखना है तो मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा था, आउटडोर कंडीशंस पे बाइक वगैरह चलाते वक्त, चैनल पे जरूर चेकआउट करना। एक छोटा सा वार्निंग देना चाहूँगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए Realme Buds Q या इस प्राइस रेंज में, मतलब 2000 rupees के अंदर कोई भी TWS खरीद लो, मैं सजेस्ट करूँगा बिल्कुल मत करना। आप कोई भी वायर्ड ईयरफोन्स ले लो या नेक बैंड ले लो, जैसे आपका Realme का नेक बैंड आता है या OnePlus Z वायरलेस आता है, क्योंकि इस पर आप इतना ज़्यादा अच्छा कॉल क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली अगर आप चल रहे हो कहीं और बैकग्राउंड नॉइसेस वगैरह आता है तो इतना ज़्यादा सप्रेस नहीं कर पाता है। वैसे इसका कॉल क्वालिटी रिव्यू आप चेकआउट कर सकते हैं, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। जो विंड सप्रेशन है या जो बैकग्राउंड नॉइस सप्रेशन है, इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं होता इन सब TWS में, स्पेशली बजट TWS में, तो ये एक बात है कंसिडर करने के लिए। वैसे इसका जो म्यूजिक क्वालिटी है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जब मैं Redmi Earbuds S से अगर इसे कंपेयर करूँ। Redmi Earbuds S के रिव्यू में मैंने बताया था कि लिरिक्स तो अच्छी तरीके से सुनाई देता है, पर जो इंस्ट्रूमेंट के साउंड्स होते हैं वो बिल्कुल ही मफल्ड हो जाता है या मिक्सअप हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, बेस भी इतना ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं लगा मेरे को, अच्छा खासा बेस इसमें भी आपको मिल जाता है। और ओवरऑल 2000 rupees में आप इसे, मतलब आपको बेकार नहीं लगेगा म्यूजिक को अगर आप कंसिडर करोगे तो म्यूजिक क्वालिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। एंड अगर Redmi Earbuds S से कंपेयर करूँ तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको रिप्लेसेबल टिप्स देखने को मिल जाता है, जिसके कारण इसका फिट बढ़िया हो जाता है। किसी भी ईयर टाइप के लिए फिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्मॉल मीडियम लार्ज साइज में ये अवेलेबल है।
आईपी रेटिंग मिलने की वजह से आप इसे जिम में भी पहन सकते हो, रनिंग करते वक्त या कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी जिसमें आपको स्वेटिंग होगा वो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको गेमिंग मोड भी मिल जाता है जिसे एक्टिवेट करने के लिए आप रियलमी लिंक ऐप को यूज़ कर सकते हो, वरना बस आपको लॉन्ग प्रेस करना है दोनों बर्ड्स पे गेमिंग मोड पे पहुंच जाओगे। 119 मिलीसेकंड्स का लो लेटेंसी आपको मिल जाएगा जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इमर्सिव बना देगा, लेटेंसी बिल्कुल हटा देगा और एक अच्छी तरीके से काम करता है, मेरे को कोई कंप्लेंट्स नहीं था गेमिंग मोड पे। एंड फाइनली कैसे मैं रेकमेंड करूंगा 2000 रुपये के अंदर, ये डिपेंड करता है कि क्या आप इसके बिगेस्ट कॉन के साथ रह सकते हो। मेरे हिसाब से इसका बिगेस्ट कॉन ये है कि इसका जो टच कंट्रोल्स है काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है। अगर मैं Redmi Earbuds S के साथ कंपेयर करके बताऊँ उसमें आपको फिजिकल टच बटन्स मिल जाते हैं म्यूजिक वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, तो उसका एक्यूरेसी रेट आप 100 मान सकते हैं। इसका एक्यूरेसी रेट मेरे हिसाब से 15 डेज ऑफ रेगुलर यूसेज के बाद 60-70%, और ये जो बाकी के 3% है या 30% है काफ़ी ज़्यादा इरीटेट कर देता है, फ्रेंकली बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इरीटेट कर देता है। अगर आप इसके साथ रह सकते हो तो आपका जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा मिल जाता है, साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव्ड है Redmi Earbuds S के कंपैरिजन में, फीचर्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है एक बड़ी ब्रांड की तरफ से आता है, तो ये सब इसके प्रोज एंड कॉन्स बन जाता है। अभी आपको फाइनली डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप इसके इनकंसिस्टेंट टच कंट्रोल्स के साथ रह सकते हो। अगर आप रह सकते हो तो इट इज़ गुड, ठीक है। इस प्राइस रेंज में आपको ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं मिलता बड़ी ब्रांड्स की तरफ से, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको और भी TWS के रिव्यूज़ देखना है तो चैनल पे जरूर चेकआउट करना और स्पेशली इसके कॉल क्वालिटी टेस्ट चेकआउट करना। अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। We'll be right back.